केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE ने सत्र 2021-22 के 10वीं और 12वीं के एग्जाम्स का सिस्टम बदल दिया है। CBSE बोर्ड इस बार इन दोनों कक्षाओं के लिए दो बार एग्जाम्स लेगा। इस बारे में CBSE ने सर्कुलर जारी करके बताया है कि एग्जाम्स कैसे और किस सिलेबस के आधार पर लिए जाएंगे। इस बार यानी 2021 में कोरोना की दूसरी लहर की वजह से 10वीं और 12वीं के एग्जाम्स कैंसिल करने पड़े थे। ऐसे में साल 2022 के एग्जाम्स के लिए CBSE ने अभी से तैयारी कर ली है। CBSE के अनुसार कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर 2022 के बोर्ड एग्जाम्स के लिए स्पेशल स्कीम तैयार की गई है। इसके मुताबिक इस बार 10वीं और 12वीं में 100% सिलेबस पर आधारित पारंपरिक बोर्ड परीक्षा के बजाय साल में दो बार एग्जाम्स लिए जाएंगे। इन एग्जाम्स को टर्म 1 और टर्म 2 कहा जाएगा। हर परीक्षा में 50% सिलेबस से ही सवाल पूछे जाएंगे, यानी 50% सिलेबस टर्म 1 में और बचा हुआ 50% टर्म 2 में पूछा जाएगा। ये जरूर है कि दोनों ही टर्म एग्जाम के लिए पेपर बोर्ड बनाएगा। टर्म 1 का पेपर मल्टीपल चॉइस आधारित होगा जो OMR शीट पर होगा। अगर इस बार भी कोरोना की वजह से कोई दिक्कत होती है तो उसे देखते हुए CBSE ने असेसमेंट के 4 तरीके तय किए हैं। ये तरीके कुछ ऐसे काम करेंगे। यदि दोनों टर्म परीक्षाओं के लिए स्कूल खुल पाए, यदि कोरोना महामारी की स्थितियों में सुधार आया तो टर्म 1 और टर्म 2 दोनों ही एग्जाम स्कूल या परीक्षा केंद्र पर आयोजित होंगे। अंतिम नतीजों में दोनों टर्म के अंकों का बराबर योगदान माना जाएगा। यदि टर्म 1 में स्कूल बंद रहे, टर्म 2 के लिए खुले। स्कूल ना खुले तो टर्म 1 का एग्जाम ऑफलाइन या ऑनलाइन माध्यम से घरों से ही होगा। टर्म 2 एग्जाम तक स्कूल खुल जाएं तो परीक्षा पारंपरिक तरीके से होगी। अंतिम नतीजों में टर्म 1 के अंकों का वेटेज कम कर दिया जाएगा। यदि टर्म 1 स्कूल में हो, टर्म 2 में स्कूल ना खुल सके। टर्म 1 की परीक्षा तो स्कूल में हो लेकिन महामारी की परिस्थितियों के चलते मार्च अप्रैल तक स्कूल लगातार ही बंद रहे तो टर्म 2 के पेपर नहीं होंगे। टर्म 1 और इंटरनल असेसमेंट के आधार पर रिजल्ट बनेगा। यदि टर्म 1 और टर्म 2 दोनों में ही स्कूल बंद रहे, यदि पूरे सत्र के दौरान स्कूल एक दिन भी नहीं खुल पाए तो ऐसी स्थिति में टर्म 1 और टर्म 2 दोनों ही परीक्षाएं छात्र घर से देंगे। दोनों टर्म्स के अंकों के साथ आंतरिक मूल्यांकन के अंक जोड़कर रिजल्ट तैयार किया जाएगा। जानते हैं कैसा होगा फर्स्ट टर्म का पैटर्न। फर्स्ट टर्म के आखिर में CBSE बोर्ड टर्म 1 एग्जाम लेगा। ये नवम्बर दिसंबर 2021 के बीच लिया जाएगा। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। इसमें टर्म 1 के सिलेबस से ही सवाल आएंगे। स्टूडेंट्स को OMR शीट पर आंसर देने होंगे। हर पेपर का टेस्ट 90 मिनट का होगा। क्वेश्चन पेपर्स CBSE ही भेजेगा। एग्जाम उसी स्कूल में होगा जहां स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे होंगे, लेकिन एग्जाम की निगरानी के लिए CBSE बोर्ड द्वारा एक्सटर्नल सेंटर सुपरिटेंडेंट और ऑब्जर्वर नियुक्त किए जाएंगे। OMR शीट को स्कैन करके CBSE के पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा या फिर स्कूल इनका मूल्यांकन करके मार्क्स CBSE पोर्टल पर अपलोड करेंगे। इस पर आखिरी फैसला बोर्ड लेगा और स्कूलों को सूचित करेगा। साथ ही ये भी जान लेते हैं कि सेकेंड टर्म के एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। ये एग्जाम मार्च अप्रैल 2022 के बीच लिया जाएगा। पेपर 2 घंटे का होगा। टर्म 2 या ईयर एंड एग्जाम भी CBSE कराएगा। इसमें पहले टर्म में शामिल सिलेबस के अलावा बाकी बचे 50% सिलेबस से सवाल पूछे जाएंगे। इसमें अलग अलग तरह के सवाल पूछे जाएंगे, यानी इसमें मल्टीपल चॉइस वाले सवालों के साथ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी शामिल होंगे। लेकिन अगर कोरोना की वजह से कोई दिक्कत आई तो टर्म 2 एग्जाम को भी 90 मिनट का कर दिया जाएगा। फिर ये एग्जाम टर्म 1 की तरह ही सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाला रहेगा। दोनों टर्म्स के मार्क्स स्टूडेंट्स के ओवरऑल बोर्ड रिजल्ट्स में जोड़े जाएंगे। आपके लिए तमाम जानकारी लाए हैं हमारे साथी अमित। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।